हर चीज बड़े तहमुल से सोच समझ के हर चीज को बहुत अच्छे नजरिए के, यानी दो पहलू होते हैं हर चीज के, तो एक होता है मनफी रुख और एक होता है मिस्बत रुख, तो उसको मिस्बत रुख से ही देखते हुए हर चीज को बड़े मामला को बड़े तहमुल से तरीके से लेके चली है। लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता क्या होता है, शैतानियत होती है, शैतान के बहकावे होते हैं, या हमारी आजमाइशें कह लें या कुछ भी कह लें, वो जब आती है ना तो इंसान के समझ नहीं आता। तो यही कुछ अभी सिचुएशन हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, और अच्छे अच्छे इंसान टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, मगर अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक है ना बस ऐसी आजमाइश में हमें कामयाब करे जो भी हो, और हमारे लिए आगे बेहतरी हो और हमें सही रास्ता दिखाता चले अल्लाह पाक। अभी भी जो हुआ है अल्लाह पाक का इसमें करम ही है हम पर, अल्हम्दुलिल्लाह के जो हुआ बेहतर हुआ हमारे लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। अज़ाब में डलने से पहले बच गए, अल्लाह तआला ने बचा लिया, बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और बस सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है ना वो यही होती है कि सबर, जब हम किसी चीज पे सबर कर लेते हैं ना तो बस अल्लाह के हवाले उस मामले को छोड़ देते हैं, और अब हमने सबर कर लिया। और सबसे अच्छी बात मैं यही कहती हूँ कि अम्मी ने जो ये सब चीजें की ना उसके बाद अम्मी ने कहा कि बस मेरा मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह सब बेटियों के नसीब बुलंद करे, उनके साथ कभी कोई ज्यादती ना हो, अल्लाह पाक सब के दिलों में रहम डाले, मोहब्बत डाले और अच्छे लोगों से वास्ता डलवाए, इज्जतदार लोगों से, इज्जतदार दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें, इज्जतों का ख्याल रखें। सही बात कहते ना कि इंसान के गुस्से में पता लगता है कि इंसान सामने वाला है क्या है इसके, उसमें गुस्से के वक्त ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या, हमारे लिए कितने कितनी नफार लेके बैठा हुआ है, कितना गुबार आपके अंदर था। सही। अच्छा, जहाँ तक इस मसले को अगर लेके बात करें ना, मुझे थी उम्मीद कि ये चीजें काफी हद तक ये लोग हो सकती है, उम्मीद क्या मुझे होता है, कुछ नजर आ रहा होता है लोगों में कि हाँ यार ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन यकीन के लिए इतना मुझे भी नहीं था, लेकिन कोई इतना अभी गिरा सकता है खुद को या दूसरों को, लेकिन बस ठीक है, वो जो थे वो चीज हो गई, हम जो है वो हम दिखा रहे हैं। और बाकी ये कि हमने अल्लाह का शुक्र है कभी 5 साल हमने ही चैनल को, हमारे चैनल को भी माशाल्लाह 2 साल होने वाले, लेकिन हमने कभी भी अपने रोने नहीं रोए, कभी भी आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि आप लोगों को हमने थकाया, अपनी नेगेटिविटी फैलाई हो, भले हम कितने परेशान रहे, भले हम बीमार रहे, कुछ भी हंसते हुए चेहरे हम लेकर आए आपके सामने, वरना बातें सबके घरों में छोटी मोटी होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जो शुरू होने से पहले ही उसका इख्तिताम हमें नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी देखें जो किसी ना किसी तरीके से अम्मी भी अम्बा भी, मगर ये कोशिश थी अम्मी की तरबियत हो जाए, आखिर कोशिश करती रही, बताया जब ये ऐसी चीजें होती है ना, उस वक्त हम घबराना नहीं करना चाहता, कोई जान करके नहीं करता, उस वक्त हम घबरा जाते हैं, मगर जब वो वक्त निकल जाता है ना तो फिर हमें ऐसा लगता है हम स्ट्रॉन्ग हो गए, साइकिल हो गई हमारी, हम अपग्रेड हो जाते हैं, और हमें लगता है हमने इस इम्तिहान से हम गुजर गए, अल्लाह ने हमें निकाल दिया। और एक बात मैं कहना चाहूंगी अपने तमाम सब्सक्राइबर से, सब लोगों से, कि हजरत अली का कॉल है, वो मुझे अभी जो ना अभी याद आया, हजरत अली का कॉल है कि जिस पर आप एहसान करो ना उसकी शर से बचो, सबसे ज्यादा आपको वही नुकसान पहुंचाएगा जिसके ऊपर आप एहसान करोगे, एहसान करके जताना नहीं चाहिए, कोई कहने वाली बात नहीं, मगर आप अगर किसी को किसी भी तरीके से आप एहसान कर रहे हैं, सही बात, सबसे ज्यादा आपको नुकसान वही पहुंचाएगा, सही बात, तो आप अल्लाह की रजा के लिए करो, और कोई अगर आपको मतलब बुरा भला भी कहता है या कुछ भी आप पे इल्जाम लगाता है, तोहमत लगाता है, सब चीज की माफी है, मगर आपके करेक्टर पे कोई लगाता है उसको माफ मत करो, चांद पे थूकने से उसको माफ मत करो, इतना हम कोई नए थोड़ी है, यूट्यूब पे माशाल्लाह जानते हैं सारी, हमने अब तक अपने क्या हमने वीडियोस में क्या मैसेजेस दिए हैं, क्या हमारे कंटेंट होते हैं, हमें अब वर्ष तो ये कंटेंट अपना बनाना ही नहीं है, ये कंटेंट नहीं है, ये एक बड़ा एक धचका है हमारे लिए, और हमारी आंखें खुली है, हमारा दिमाग भी खुला है, अब हम जो है ज्यादा अब होशियार भी हुए इस चीज को, यानी एक होता है हम हर किसी पे एतबार कर लें, अब हम सोच समझ के एतबार करेंगे कि नहीं भाई ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, हमें ये इंसान की अच्छाई होती है कि वो दूसरे को भी अच्छा समझते हैं, वो जैसा होता है ना वो सामने वाले को वैसे ही, सामने वाला नेगेटिव इतना भी हो सकता है, इतना बेरहम हो सकता है, अल्लाह खैर, अल्लाह ने खैर कर दी, बस अल्लाह ने बहुत बेहतरी की, अल्लाह ने बहुत, आप लोग है ना दुआओं में याद रखियेगा, मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है, अल्लाह पाक सब पर करम करे, सबके घरों पे करम करे, और अपने रहमत के बरकतों के दरवाजे खोले अल्लाह पाक, वो सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, सेहत और अच्छी लोगों से वास्ता पड़े, इज्जतदार लोगों से वास्ता पड़े, इज्जतदार, इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, आप लोग दुआ करिएगा अंबर के नसीब के, अल्लाह पाक ने उसके लिए हो
हो सकता है क्योंकि उसके भी और नमक सबकी बेटी सबकी बेटी और ज्यादा अच्छा करे। जितने दुख उसने देखे हैं अल्लाह ताला उससे ज्यादा से खुशियां नसीब और सब कुछ भूल जाए वो ना, ये सब कुछ क्योंकि एक ड्रामा खाब की तरह भूल जाए। तो जी अब ज्यादा चाहे हम लोग ज्यादा चाह रहे हैं आप लोगों से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, अपने चेहरे से मिलेंगे एनर्जी जी के साथ इंशाल्लाह। बस हमारा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि हम वीडियोस बनाए या आप लोगों से कोई भी बात हम शेयर करें, हमारे लव जो हमारा साथ ही दे रहे थे, बस हमने हिम्मत करके आज हम आए, कोशिश करेंगे अपने आप को रूटीन पे लाने की। तो आप लोगों के लिए मेरी ढेर सारी दुआ, अल्लाह पाक सब बच्चे बच्चियों की नसीब अच्छे करे और घरों में अपनी रहमत और बरकतों के दरवाजे खोले और परेशानी बीमारी और झूठे लोगों से अल्लाह पाक बचाए, महफूज रखे अल्लाह पाक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, तब तक अल्लाह हाफिज़।